ये समझाने के लिए प्रभु ने लूकस के सुसमाचार की अध्याय 18 वाक्य 2 से 6 तक एक सुंदर दृष्टांत सुनाया, और वो दृष्टांत है एक अन्यायी न्यायाधीश और विधवा का दृष्टांत। एक न्यायाधीश था जो बहुत ही अन्यायी था, किसी से नहीं डरता था, ना ईश्वर से डरता था, और इसलिए अन्याय पर अन्याय करता जाता था। और एक विधवा थी जो न्याय चाहती थी, मांगती थी, और उस विधवा ने जाकर बार बार न्यायाधीश को तंग किया कि वो मजबूर होकर विधवा के लिए न्याय का प्रबंध करता है। इसके द्वारा प्रभु हमें समझाते हैं कि हमें बार बार निरंतर प्रभु के दरवाजे पर खटखटाने की जरूरत है। प्रभु ने कहा खटखटाओ। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15 में एक बहुत ही रोचक घटना हमें पढ़ने को मिलती है। प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ जा रहे हैं। वचन में बताता है कि एक कनानी स्त्री जो इसराइली नहीं थी, जो यहूदी नहीं थी, वह प्रभु यीशु के और लोगों के पीछे लग जाती है और जोर जोर से चिल्लाती जाती है, हे प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए, मेरी बेटी एक अबदूत से परेशान है और उसे छुटकारा दीजिए। प्रभु ने उसको जवाब नहीं दिया। फिर वो चिल्लाती हुई आगे जा रही थी। शिष्यों ने आकर प्रभु से कहा कि वो तंग कर रही है हमें, उसकी प्रार्थना को मानिए। तब तक नारी प्रभु के पास आ जाती है। प्रभु ने शिष्यों से कहा कि मुझे इसराइलियों के खोए हुए लोगों के पास जाना है। तब तक नारी आकर प्रभु से अनुरोध करती है। तो प्रभु ने नारी से कहा कि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों को देना उचित नहीं है। तो वो नारी प्रभु से कहती है, हाँ प्रभु, बच्चों की रोटी पिल्लों को देना नहीं चाहिए, लेकिन मेज पर से गिरे हुए चूर के लिए पिल्ले अधिकारी हैं, उसे तो खा सकते हैं। प्रभु ने उस नारी के इस दृढ़ विश्वास और दृढ़ प्रार्थना को सुना और प्रभु ने कहा, नारी तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। उसी क्षण उस नारी की बेटी चंगी हो जाती है। मेरे प्रिय मित्रों, कनानी स्त्री को कभी नहीं भूलना। हमारे प्रार्थना में जीवन में हमें उस कनानी स्त्री से सीखने की जरूरत है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 35 में मेरे प्रिय भाई और बहनों एक सुंदर वचन हमें पढ़ने को मिलता है। अध्याय 35 वाक्य 19-21 तक वहां पर हम पढ़ते हैं कि दीनहीन की प्रार्थना किस तरह प्रभु के सम्मुख पहुंचती है। वचन हमें बताता है, उसके आंसू उसके चेहरे से स्वर्ग तक चढ़ते हैं और प्रभु उसकी आह सुनता है। जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है। आगे, और उसकी पुकार मेघों को चीर कर ईश्वर तक पहुंचती है। कितनी सुंदर बात है। अगला वचन वाक्य 21, वह तब तक आग्रह करता रहता है जब तक सर्वोच्च ईश्वर उस पर दया दृष्टि ना करे। वह तब तक आग्रह करता रहता है जब तक सर्वोच्च ईश्वर उस पर दया दृष्टि ना करे। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हम नित्य बिना हिम्मत हारे प्रार्थना में लगे रहें। हमें शोक ग्रंथ की अध्याय 2 उसके वाक्य 18 और 19 में पढ़ने को मिलता है। शोक ग्रंथ की अध्याय 2 उसके वाक्य 18 और 19 में हम पढ़ते हैं, तुम सारे हृदय से प्रभु सियोन के रक्षक की दुहाई दो, तुम्हारे आंसू दिन रात नदी की तरह बहते रहें, तुम नहीं रुको निरंतर रोते रहो, तुम नहीं रुको निरंतर रोते रहो, उठो रात में चिल्लाओ, पहले पहर में अपना हृदय पानी की तरह बहा दो, अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए प्रभु के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करो।